जय हिंद, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रैवल टेक हिंदी में। आज इस प्रोडक्ट की मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, वो प्रोडक्ट है पिजन कंपनी का टू बर्नर कुकटॉप। इस वीडियो में जानेंगे कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसा है इसका डिज़ाइन और क्या क्या है इसमें फीचर। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का प्रोडक्ट है हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो कि फ्लिपकार्ट पे टॉप पे हमेशा से आया है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को और आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसमें एक्सेसरीज और क्या क्या है इसमें फीचर्स। तो ले लिया है मैंने चाकू और मैं लगा हूं इसको अनबॉक्स करने। खोल दिया है डब्बा। सबसे पहले मिलते हैं आपको स्टैंड जो कि इसके ऊपर लगाए जाएंगे और कोई भी बर्तन होगा इन्हीं के ऊपर स्टेबल होएगा। अभी रखते हैं इसको साइड में, कुकटॉप पर निकालते हैं बाहर। ये इसमें प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, इसको रखते हैं साइड में। इसके चारों ओर दिया गया है थर्मोकोल ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके। कुकटॉप को निकालते हैं बाहर। और बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो कुछ ऐसा दिखता है ये प्रोडक्ट। अपर जो है इसका वो है टफेंड ग्लास का, जिसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मोटा है ये ग्लास। ये जो प्लेट आप देख रहे हो ये है स्टील की और इसे कहते हैं स्पिल प्लेट। तो जब भी आप खाना बनाते हो या दूध बॉयल करते हो तो कई बार दूध निकल जाता है या खाना भी गिर जाता है, तो ये प्रोडक्ट करता है, ये नीचे नहीं जाने देता, इसको साफ भी आसानी से कर सकते हो। तो ये स्टैंड है, इसके ऊपर आसानी से ऐसे लग जाएंगे। इस स्टैंड की थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैवी मेटल का बना हुआ है ये। और जो अब बात कर लेते हैं इसके बर्नर की। जो बर्नर है वो है प्योर ब्रास के, जी हाँ, पीतल का बना हुआ है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये है टफेंड ग्लास, इसका जो अपर है वो टफेंड ग्लास का बना हुआ है और जो नीचे का आप देख रहे हो जो बेस है इसका, ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इसकी चैसी बनी हुई है, वो बनी है स्टील की, प्योर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और ये मैट फिनिश में दिया गया है। जो इसका अपर ग्लास है वो ब्लैक कलर में आता है, साथ में इसकी ब्रांडिंग दी गई है पिजन कंपनी की। साइड में लगेगी जो सिलेंडर से पाइप आएगी, लाइन आएगी, वो यहाँ लगेगी। ये है इसके बटन, जो नॉर्मल जैसे बटन होते हैं उसी तरह से काम करते हैं। अब आपको दिखाता हूँ इसका नीचे से। ये इंसुलेशन दी गई है ताकि ग्लास को कोई नुकसान ना हो, इसकी प्रोटेक्शन बनी रहे। तो नीचे से सारा स्टील का बना हुआ है, जो बेस है वो रबर का है, जो इसके चारों तरफ रबर के हैं ये, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ओवरऑल मुझे डिज़ाइन तो इसका बहुत अच्छा लगा और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। प्लस ये ओवरऑल स्टील का है, सिर्फ अपर इसका टफेंड ग्लास का है। नॉर्मल अगर कुछ भी इस पर स्ट्राइक होता है तो ये टूटेगा नहीं, अगर कोई हैवी बर्तन अगर आप इस पर ज़ोर से रखोगे तो ये टूट सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉर्नर का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपर का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई हैवी बर्तन, कोई भी हैवी मटेरियल इस पर स्ट्राइक ना करें, अदरवाइज इसको कुछ नहीं होगा। हीट की वजह से कभी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसमें नीचे इंसुलेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स ये कुछ था इस प्रोडक्ट में। अभी मैं आपको गैस की लाइन कनेक्ट करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि कैसी फ्लेम इसमें से आती है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो दोनों बर्नर को मैंने कर दिया है ऑन और ब्लू फ्लेम आ रही है, इसका मतलब इसमें कोई भी लॉस नहीं है, ये एकदम एक्यूरेट चल रहा है।
कुछ दिन बाद मैं इसका बनाऊंगा एक रिव्यू वीडियो, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। कंप्लीट बताऊंगा कैसे इसने वर्क किया और क्या है इसका फीडबैक।